हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय फैमिली लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शेयर करेंगे चार कली वाला पेटीकोट कैसे बनाएं, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पेटीकोट के लिए 2 मीटर कपड़ा लिए हुए हैं। ध्यान रखें, पेटीकोट के लिए कॉटन का कपड़ा ही लें। पहले हम इसको लंबाई में फोल्ड करेंगे और पेटीकोट के लिए बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट के लिए हमने 4 इंच कपड़ा फोल्ड किए हैं, कट कर लेंगे। आप इसे 3 इंच भी रख सकते हैं, हमें चौड़ा बेल्ट अच्छी लगती इसलिए हमने 4 इंच लिया है। अब इसे 2 बार फोल्ड करके इसके बीच में कट लगा लेंगे, फिर 4 बार फोल्ड करेंगे और बीच में कट लगा लेंगे। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्यों कट लगाया है। अब हम इसका चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने चौड़ाई में फोल्ड किया है। इसमें हम 2 इंच पर निशाना लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे हम नारा बनाने के लिए निकाल लिए हैं, इसे हम डोरी भी बोलते हैं। देख सकते हैं निकाल कर रख लिए हैं। अब कपड़े को हम 4 बार फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो बंद है उसे कट कर लेंगे बीच में। देख सकते हैं कट कर लिए, अभी 2 भाग में अलग अलग निकल गया है। एक हिस्सा को फिर से हम फोल्ड करेंगे। इसका हम सीधा एवं उरेब में कट लगाएंगे, जिससे हमारा नीचा की पेटीकोट का घेरा बनेगा। एक तरफ हमने 11 इंच पर निशाना लगाया है, ये ऊपर के हिस्से में चला जाएगा और नीचे की तरफ 8 इंच पर निशाना लगाया है। देख सकते हैं, अब इसे हम कट कर लेंगे। इसे बराबर में फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं एक सीधा है, इधर उरेब है और उस साइड में सीधा है। अब दूसरे भाग को जो रखे हुए थे उसे भी 2 भाग में फोल्ड कर लेंगे। इसे भी हम उसी तरह कट कर लेंगे जो पहले वाला किया था। इसमें भी हमने 11 इंच और नीचे का घेरा 22 इंच रखा है। देख सकते हैं, अब इसे हम कट कर लेंगे। इसका जो यूरोप का हिस्सा होगा उसमें थोड़ा सा इस तरह कट कर लेंगे ताकि सिलाई के वक्त पहचान में आ जाए कौन सीधा है और कौन उरेब है। चलिए अब इसका स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पर हमने 2 पार्ट लिए हैं, एक सीधा और एक उरेब। यहाँ पर हमने कट लगाया हुआ है, देख सकते हैं। और मैचिंग का धागा लेंगे, बिना मैचिंग का धागा अच्छी नहीं लगेगी। इस पर सिलाई हम चला लेंगे। नीचे का हिस्सा सीधा है और ऊपर वाला उरेब है। नीचा वाला को हम थोड़ा खींच कर रखेंगे सिलाई के वक्त ताकि सिलाई अच्छी तरह हो सके। 2 भाग का हमने स्टिचिंग कर ली है, अब तीसरा भाग में स्टिचिंग लगाएंगे। इस पर भी सेम हम सिलाई चला लेंगे। सभी को हमने एक साथ सिलाई चला ली है। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए जो कपड़ा निकाले थे उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे, जो बेल्ट कहीं से कपड़ा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 हिस्से पर कट लगाए थे। अच्छी तरह से इसे हम सिलाई चला लेंगे।
तरफ सिलाई हो गया, उसे फोल्ड करके फिर हम सिलाई चलाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने सीधा की तरफ सिलाई चला लिए हैं। यहाँ पर फोल्ड करने को वक्त हम ऊपर वाला हिस्सा को तान कर रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, ताकि कपड़ा अच्छी तरह से स्टिच हो सके। देख सकते हैं पेटीकोट का बेल्ट यहाँ पर तैयार हो गया। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अब हम पेटीकोट का मोहरी बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर नीचे की तरफ 2 इंच कपड़ा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इस पर हम सिलाई चला लेंगे। इसे हम 4 से 5 बार सिलाई चलाएंगे जिससे मोहरी अच्छी तरह बन सके। पेटीकोट तैयार हो गया है। अब उसका हम डोरी बना लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हमने डोरी बना लिए हैं और पिन की मदद से लगा भी लिए यहाँ पर, देख सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।